नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, छह मुहान चौक पर से लेकर के रेड़मा चौक और दूसरी तरफ हॉस्पिटल चौक तक डिवाइडर लगा है। यह डिवाइडर लोगों के लिए परेशानी का सबब आए दिन बनता जा रहा है। आपको बता दें कि इस डिवाइडर जो लगी है, इसके दोनों ओर या सड़क के दोनों ओर रोड की चौड़ाई नहीं है, जिसके कारण अगर गाड़ी आगे कोई अगर कार चल रहा हो तो पीछे से उस कार का ओवरटेक करना बहुत मुश्किल होगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि डिवाइडर लगने के, डिवाइडर नगर निगम ने तो लगा दिया है, लेकिन डिवाइडर के दोनों ओर जो सड़कें हैं बहुत कम चौड़ी है। उसके बावजूद उस सड़क पर कई दुकानदारों ने कब्जा जमा रखा है, यानी अतिक्रमण कर रखा है। यही वजह है कि जो सड़क थोड़ी सी भी चौड़ी थी वो और संकीर्ण हो गई है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि इस डिवाइडर को लगने से जो शहर पूरे परमंडल का एकमात्र अस्पताल है, वहां तक पहुंचने के लिए इसी पथ से होकर गुजरना पड़ता है। छमुहान से आप अगर हॉस्पिटल की ओर जाएंगे तो उस रास्ते में शहर का थाना भी पड़ता है और हॉस्पिटल का मुख्य गेट भी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ेगा। इस पथ पर प्रतिदिन 2 दर्जन लगभग जो है एम्बुलेंस गुजरती है, उस एम्बुलेंस को भी कई परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ता है। बता दें कि कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है। नगर निगम ने खूबसूरती के लिए डिवाइडर जरूर लगा रखा है, रंग बिरंगी रोशनियां से सजा दिया है, लेकिन वही डिवाइडर अब लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। परेशानियां छोटी नहीं है। आप जब इस सड़क से गुजरेंगे, डिवाइडर के रास्ते से गुजरेंगे, तो सड़क के दोनों ओर चाहे वो ठेले हो, खोमचा हो या छोटे छोटे दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को सजा रखे हैं, जिससे यह सड़क और संकीर्ण हो गया है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर इस पथ से कभी एम्बुलेंस इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल पहुंचना चाह तो उसे पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी। कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में ही कोई दम तोड़ दे मरीज और वो अस्पताल के गेट तक नहीं पहुंच पाए। नगर निगम ने पहल तो जरूर की, शहर को सुंदर बनाने के लिए पहल जरूर की, लेकिन इस पहल में कमी छोड़ दी। सबसे व्यस्तम चौक है रेड़मा चौक। अगर आप रेड़मा चौक से अगर आप ओवरब्रिज की ओर आ रहे हैं तो आप लगातार वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। यही नहीं, छमुहान से अगर आप थाने रोड में जाएंगे, बाजार रोड में, तो वहां और भी दुकानदारों ने, छोटे छोटे दुकानदारों ने सड़क के दोनों ओर कब्जा कर रखा है, जिससे यह परेशानी लोगों के लिए और बढ़ जाती है। वैसे भी छमुहान चौक हो या रेड़मा चौक हमेशा जाम रहता है और बाजार क्षेत्र जाने वाला रास्ता भी जाम रहता है, लेकिन अब डिवाइडर भी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। परेशानी थोड़ी नहीं है, समझने के लिए भल कह दे सकते हैं कि थोड़ी परेशानी है, लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है। अगर इसको आप दूर दृष्टि से देखेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इसी पथ से अस्पताल पहुंचना है, इसी पथ से बाजार पहुंचना और इसी पथ से आपको शहर का थाना भी पहुंचना है, अगर जरूरत होगी तो। लेकिन उन तक, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कष्ट से गुजरना पड़ेगा। आगे अगर कोई गाड़ी चल रही हो तो पीछे से आप तेजी से नहीं निकल सकते हैं। जरूरत है नगर निगम को पहल करने की, जरूरत है जिला प्रशासन को पहल करने की, और नगर निगम को ज्यादा जिम्मेवारी दी जाती, इसको कह सकते हैं कि जवाबदेही है कि सड़क के जो दोनों ओर छोटे छोटे दुकानदार लगाए हैं, या तो उनको हटाए या फिर उनको अन्यत्र जगह स्थान दे, ताकि यह सड़क और सड़क लोगों के लिए परेशानियों का सबब न बन सके। तो यही कह सकते हैं कि यह सुंदरता के लिए शहर के डिवाइडर बना दिया गया, बहुत अच्छी सुंदर तरह से सजा दी गई, लेकिन नगर निगम ने यह नहीं सोचा कि सड़क को चौड़ीकरण कर दी जाए ताकि लोगों के लिए परेशानी न बने। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।